एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कामा आयुर्वेदा का जो है फेस पैक। यानी कि आपने देखा होगा कि कामा आयुर्वेदा बहुत ही लग्जरियस आयुर्वेदिक ब्रांड है और उसके जो प्रोडक्ट के प्राइस होते बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जो खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हाई प्राइस हो तो क्वांटिटी अगर आपको ज़्यादा मिल रही तो फिर अच्छी बात होती है, लेकिन क्वांटिटी भी उनकी बहुत कम होती है। 40 ग्राम का आपको जो फेस पैक है वो आपको मिल जाएगा 1595 में, इस तरह से मिलता है। 20 ग्राम का 985 में। लेकिन जब मैंने के इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक किए तो वही सिंपल से इंग्रेडिएंट है, लेकिन उन्होंने कमाल का जो कॉम्बिनेशन चूज मतलब मिक्स किया है ना, जो इंग्रेडिएंट उन्होंने चूज करके सारी चीजें ब्राइटनिंग फेस पैक में मिक्स किया, उसका रिजल्ट डेफिनेटली ब्राइटन अप करता है आपका स्किन। अभी मैंने जो है वो सिर्फ फेस पैक लगाया था और उसके बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई, कुछ भी अपने फेस पे मैंने नहीं लगाया। और नेचुरल लाइट पे मैं आपको दिखा सकती हूँ किस तरह से ये जो फेस पैक लगाया मैंने, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोई और ब्राइटनिंग लग रही है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट उन्होंने मिक्स किया है, वही इंग्रेडिएंट हम मिक्स करेंगे जो कामा आयुर्वेदा में है, जिसका प्राइस 1595 का है, लेकिन हमारा 100 में ये बन जाएगा और रिजल्ट भी वही सेम टू सेम आपको एग्जैक्ट रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलिए हम क्या क्या इसमें मिक्स करने वाले आप देख लीजिए और आप इसको डेफिनेटली बनाइए और ट्राई करके देखिए, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। 100% वन यूज में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि एक ही बार में आज पहली बार मैंने लगाया, मेरा स्किन जो है वो बिल्कुल ग्लो कर रही है और बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। इंग्रेडिएंट उन्होंने जैसे जैसे मिक्स किए हैं ना, बहुत कमाल के इंग्रेडिएंट उन्होंने चूज करके मिक्स किए हैं और ब्राइटन अप तो सच में ये करता है, इसीलिए उनका जो कॉम्बिनेशन है इसलिए इतना महंगा होता है। लेकिन उसी इंग्रेडिएंट से हम जो कम पैसे में कमाए, कम बजट में हम ये फेस पैक बना के चलिए लगाते हैं। और आप इसको हफ्ते में 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए और मैक्सिमम 3 बार काफी है। तो चलिए इसको किस तरह से बनाना है देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कामा आयुर्वेदा का हल्दी चंदन ब्राइटनिंग फेस पैक, जो कि सिर्फ 25 ग्राम का 985 और 40 ग्राम का 1595 में आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, खरीदना मुश्किल है और क्वांटिटी भी बहुत कम दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा गया कि क्या क्या आपके लिए ये स्किन के लिए बेनिफिट है। लार्ज पोर के लिए और टाइटन करता है आपके स्किन, डार्क स्पॉट के लिए भी बहुत बेनिफिट है। इन्ग्रीडियंट लिस्ट आप इसमें चेक कर लीजिए, टर्मरिक, सैंडलवुड और ऑरेंज पाउडर, रोज पाउडर और इसमें कोलाइडल ओटमील मिक्स किया गया और मुल्तानी मिट्टी। सिर्फ यही इंग्रेडिएंट मिक्स करके ना आपके जो प्राइस है वो इतना हाई उन्होंने रखा है, हम क्यों ना इसको मिक्स करके यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ कैसे करना, उन्होंने लिखा हुआ कि आप दही के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हनी के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं इसकी जो बेनिफिट है आपके लिए, लार्ज पोर के लिए, डार्क स्पॉट के लिए, ये सारी चीज़ बेनिफिट देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कस्तूरी हल्दी वाइल्ड टर्मरिक 1/2 स्पून लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे चंदन पाउडर 1 स्पून और उसके बाद हमने लिया है ऑरेंज पाउडर 1 स्पून, जो टैनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करेगा आपका। और उसके बाद हम 1 स्पून रोज पाउडर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ओट्स लेंगे। कोलाइडल ओट्स वो होता है जो फाइन ओट्स होता है, इससे थोड़ा नॉर्मल ओट्स से वो ओट्स जो होता है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये ओट्स जो काम नहीं करेगा आपकी स्किन डल कर देगी, ये भी ओट्स आप मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद हम लेंगे इसमें मुल्तानी मिट्टी 1 स्पून, सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने और आप चाहे तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं अपने डब्बे में, जैसे कामा आयुर्वेदा का है, और इसको जब चाहे आप वीक में यूज़ कर सकते हैं। स्टोर भी इसका बहुत टाइम आपका चल जाएगा ये अगर एक बार बना के आप रखेंगे। और ओट्स जो है अगर आप चाहें तो ग्राइंड करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद हम 2 स्पून दही जो है वो मिक्स करेंगे, जो मॉइस्चराइज करेगी आपकी स्किन, और इसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है तो आपकी स्किन को ये ब्लीच भी करता है। हनी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, 1 स्पून हनी डालेंगे, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा, हमें रोज़ वाटर इसमें डालना होगा, क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल पानी नहीं मिक्स करना है, हम इसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसको मिक्स करके फिर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत होगी उतनी क्वांटिटी में आप इसको मिक्स करके वीक में 3 बार इसको लगाएं। और मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, हमारा जो फेस पैक है इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ज़्यादा आप इसमें रोज़ वाटर ना डाल लें ताकि आपके फेस पे ये टिका रहे, और लेयर आप अच्छे तरीके से लगा के उसको सेमी ड्राई तक रखना है, फिर आपको उसको वॉश कर लेना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको जो फेस पैक है वो दिखेगा।
और बहुत अच्छा ये काम करेगा। चंदन आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑरेंज पाउडर स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एक्सफोलिएट करता है आपके स्किन को ओट्स, सो बहुत सारे बेनिफिट है। उन्होंने कमाल के इंग्रेडिएंट जो है मिक्स किए हैं जो कि बहुत अच्छा आपका रिजल्ट देगा। अब उसको अपने साफ सुथरे क्लीन फेस पे आपको फेस पैक को अच्छे तरीके से मोटी लेयर करके लगा लेनी है। तो यहाँ पे 10-15 मिनट के बाद देख सकते हैं सेमी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको वॉश करके आपके सामने आती हूँ। मैंने वॉश कर लिया है और देख सकते हैं स्किन जो है काफ़ी क्लियर और ग्लोई दिख रही है, लेकिन कैमरे में आपको नहीं पता चल रहा है, कैमरे में वो जो ग्लो हो रहा है ना कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और थोड़ी सी सिर्फ लिपस्टिक लगाई और कुछ भी नहीं लगाया। आप यहाँ पे नेचुरल लाइट पे देख सकते हैं किस तरह से स्किन जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और थोड़ी सी ग्लोई लग रही है। कामा आयुर्वेदा का यही जो कमाल है, जो उनके इंग्रेडिएंट होते हैं ना वो कमाल के होते हैं, तो वैसे हम मिक्स करके भी बना सकते हैं। सो ये देखिए किस तरह से स्किन जो है, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, हर हफ्ते आप जब यूज़ करेंगे ना आपको रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। लार्ज पोर, ओपन पोर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन टाइटन भी आपकी करती है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत ही यूजफुल वीडियो है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।